हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिलवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मिरेकुलस इम्पॉर्टेंस ऑफ बीटरूट। बीटरूट की जो इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आप छूटे ना रहे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, बीट रूट को हम सभी लोग अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। जनरली हम बीट रूट को लेते हैं बट उतना इम्पॉर्टेंस हम बीट रूट को नहीं देते अपने डाइट में जितना हमें देना चाहिए। हाँ ठीक है, कभी इस हफ्ते में एक दिन दो दिन अगर हमने बीट रूट खा लिया तो इट्स ओके। बट जो इम्पॉर्टेंस बीट रूट को मिलनी चाहिए कि उसके अंदर इतने इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो इतना हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए, उसके हिसाब से जितना हेल्दी वो है उतनी इम्पॉर्टेंस हम बीट रूट को नहीं देते हैं अपनी डाइट में, उतने रेगुलर वे में हम उसको नहीं अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं। सो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप सभी को बीट रूट की इम्पॉर्टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत सी इम्पॉर्टेंस हैं बीट रूट की, जो मुझे पता है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। हो सकता है आप लोगों को ये पहले से मालूम हो सकता है किसी को मालूम नहीं हो सकता है किसी को इससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंस अगर बीट रूट की मालूम हो तो वो लोग आप मुझे भी बताइएगा कमेंट करके। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखें बीट रूट का, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो बीट रूट का है, बीट रूट कंटेन्स फोलेट। बीट रूट में फोलेट प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। विटामिन बी, फोलेट और विटामिन B9 उसमें प्रेजेंट होता है। विटामिन सी बीट रूट में प्रेजेंट होता है। विटामिन ए बीट रूट में प्रेजेंट होता है। मैग्नीज बीट रूट में प्रेजेंट होता है। नाइट्रेट प्रेजेंट होते हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें फोलेट का क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, फोलेट किस लिए मेजर रोल प्ले करता है, कौन सा मेजर रोल प्ले करता है, तो जो फोलेट होता है जिसको हम विटामिन B9 भी बोलते हैं, सो फोलेट का मेन फंक्शन ये है, की रोल जो बोलते हैं हम, फोलेट का की रोल ये है कि ये हमारे जो सेल्स हैं और जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। जो भी हमारे वियर एंड टीयर सेल्स हैं या टिश्यू हैं उनमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो बीट रूट क्या करता है उन सेल्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, उन सेल्स की ग्रोथ करने में हेल्प करता है, टिश्यू की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। सो इसीलिए बीट रूट को हमें अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए और स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको बीट रूट लेने के लिए बोला जाता है कि वो अपनी डाइट में बीट रूट को ले, ताकि जो कंटिन्यूस जो सेल्स बनने होते हैं बेबीज़ के और मदर के, जहाँ जो भी उनमें सेल में या टिश्यूज़ में जो ब्रेकेज आता है वो वियर एंड टीयर होते हैं सेल्स एंड टिश्यूज़, वो वापस से बन सके, वो सेल्स का वापस से फॉर्मेशन हो सके, उन टिश्यूज़ का वापस से फॉर्मेशन हो सके, तो इसीलिए उनको बीट रूट लेने के लिए बोला जाता है। और नॉर्मली हम लोग भी बीट रूट को ले सकते हैं क्योंकि उसमें फोलेट प्रेजेंट होता है और विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स और टिश्यू ग्रोथ। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट अबाउट बीट रूट। फोलेट ऑल्सो प्लेज मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द डैमेज टू द ब्लड वेसल्स, विच इन टर्न ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड ब्लड वेसल्स और ब्लड प्रेशर्स। इट एक्चुअली लोअर्स डाउन द ब्लड प्रेशर्स, राइट? इसके बारे में आज आगे हम देखेंगे कि कैसे बीट रूट ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्पफुल होता है। जो बीट रूट होता है वो एक्चुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ के लिए हम बीट रूट लेते हैं, हमें लेना चाहिए, वो ये है कि इट लोअर्स डाउन द ब्लड प्रेशर। बीट रूट गारंटीड है कि बीट रूट ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करेगा ही करेगा अगर आप उसको कंटिन्यूसली अपनी डाइट पे ले रहे हैं तो। ठीक है, कैसे बीट रूट अपने हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करता है कि बीट रूट कंटेन्स नाइट्रेट्स। बीट रूट में नाइट्रेट्स होते हैं और ये नाइट्रेट्स जब हम बीट रूट को अपने बॉडी में अपनी डाइट में लेते हैं, अपनी बॉडी में जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो बीट रूट का जो नाइट्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्राइट्स में। ठीक है, नाइट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स इन टू अवर बॉडी और वो नाइट्राइट जो नाइट्राइट्स हैं ये की कंपोनेंट हैं हमारे हेल्दी हार्ट के,
ठीक है। नाइट्राइड्स आर द की कंपोनेंट ऑफ अवर हेल्दी हार्ट। नाइट्राइड्स क्या करते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स का डायलेशन अगर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो नाइट्राइड्स क्या करते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को ओपन अप करते हैं, उनको उनकी डायलेशन करवाते हैं ब्लड वेसल्स की, ठीक है। अगर ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई हैं तो नाइट्राइड्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, उनको खोलने का, उनको फैलाने का काम करते हैं, तो जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल में फ्लो कम हो रहा था, अगर हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो उनमें ब्लड फ्लो भी क्या होगा, थोड़ा धीरे होगा, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा ब्लड, हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। बट अगर हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ा डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड का फ्लो ईजिली होगा, और उसी वजह से ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर वो लो हो जाता है। तो नाइट्राइड्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में। तो नाइट्राइड्स हमें कहाँ से मिलेंगे, जब हम नाइट्रेट रिच फूड लेंगे। नाइट्रेट रिच फूड कौन है, बीटरूट। बीटरूट नाइट्रेट्स में बहुत रिच होता है, अगर उसको हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो वो नाइट्रेट्स नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, और हमारे ब्लड के जो वेसल्स हैं उसका डायलेशन करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ईजिली हो पाता है। सो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट फीचर है बीटरूट का, कि बीटरूट का कंजप्शन करने से हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो डेफिनेटली कम होगा, अगर आप उसको कंटिन्यूस अपनी डाइट में ले रहे हैं तो। बीटरूट अगर हमारी बॉडी का, हमारे हार्ट का ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन कर रहा है, तो दैट मीन्स बीटरूट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डैमेजेस ऑफ हार्ट ड्यू टू हार्ट डिजीजेज, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स जो आते हैं, हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सब को लोअर डाउन करने में हेल्प करता है। बीटरूट्स ऑल्सो बूस्ट अप अवर इम्यून सिस्टम। बीटरूट में वाइटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें हम, बीटरूट में फाइबर प्रेजेंट होता है, जो फाइबर रिच जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो भी फूड होता है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो बीटरूट में फाइबर होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो इट हेल्प्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फाइबर जो होता है बीटरूट का, वो हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव गट में जो गुड बैक्टीरिया है उनके नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। और इट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी बीटरूट कम करने में हेल्पफुल होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइबर इन इट। सो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की या डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब उस केस में रिकमेंड किया जाता है कि हम बीटरूट को एज अ होल ले, यानी कि उसको कट करके छोटे छोटे पीसेस बना के उसको ले, उसका जूस ना ले। अगर हम उसका जूस बनाएंगे बीटरूट का, तो उसमें जो फाइबर होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, तो वो उतना अच्छा है, उतना इफेक्टिव रोल नहीं दिखा पाएंगे जितना उसको दिखाना चाहिए। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि हम बीटरूट को एज अ होल ले, उसका जूस ना बनाएं, ठीक है। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, तो मैं यही बोलती हूँ, या मतलब मेरा यही मानना है कि अगर आप कोई भी फ्रूट ले रहे हैं या फिर कोई वेजिटेबल का अगर आप जूस बना रहे हैं, फ्रूट का जूस बना रहे हैं, तो उसको आप एज अ होल लें, ठीक है। उसका जूस से ज़्यादा रिकमेंड मैं आपको करूँगी कि आप उसको एज अ होल लें। होता है कि जूस बना करके भी हमें फ़ायदे उसके मिलते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू जूस मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उसको एज अ होल लें, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो बीटरूट को एज अ होल लें, क्योंकि उसके फाइबर फाइबर्स का ब्रेक डाउन नहीं होगा उस पर, और वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। मिनरल्स लाइक बोरॉन, कॉपर, मैग्नीशियम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बीटरूट। मिनरल्स जैसे कि बोरॉन, कॉपर, मैग्नीशियम भी बीटरूट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारी बोन के नॉर्मल डेवलपमेंट में। कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बोन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है।
कैल्शियम हो गया, तो ये सभी अगर बीट रूट में प्रेजेंट है तो ये कहीं ना कहीं हमारे बोन के नॉर्मल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं और वो साथ ही साथ बोन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, और उसको भी बूस्ट अप करने में हेल्पफुल होते हैं। और साथ ही साथ बीट रूट हमारे बॉडी में से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूव आउट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए बहुत से जो डाइटिशियन होते हैं डिटॉक्स डाइट में बीट रूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमें बताते हैं कि हम बीट रूट को अपनी डाइट में लें ताकि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में जमा हो रखे हैं उन सब को फ्लश आउट कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन, बहुत हफ्ते भर हम बहुत सा जंक फ्रूट खा लेते हैं, बहुत सी अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं, तो हफ्ते में एक दिन हमें बीटरूट जूस पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो फ्लश आउट हो सके। अगर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर की बात करें, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करें बीट रूट के, तो बीट रूट इज़ लो इन कैलोरीज़। बीट रूट कैलोरीज़ में लो होता है, प्लस उसमें वाटर का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, उसमें मिनरल का अमाउंट ज़्यादा होता है और उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो कैलोरीज़ कम है बट वाटर का अमाउंट, मिनरल का अमाउंट और फाइबर का अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से बीट रूट को हम अपने वेट लॉस में भी यूज़ करते हैं। अपने वेट लॉस के लिए अगर हम डाइट ले रहे हैं तो उसमें हम बीट रूट को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ लो इन कैलोरीज, हाई इन वाटर कंटेंट, हाई इन मिनरल एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड फाइबर कंटेंट। ठीक है, और डिटॉक्स डाइट के बारे में तो मैंने आपको बताया कि डिटॉक्स डाइट में भी हम इसको लेते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, हमारे बॉडी का जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस जो जमा हो रखे हैं उनको फ्लश आउट करने में हेल्पफुल होता है। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर की बात करें हम बीट रूट के, तो बीट रूट इज रिच इन आयरन। बीट रूट आयरन में रिच होता है, जो आयरन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे RBC का, रेड ब्लड सेल का। तो अगर हमारे रेड ब्लड सेल में आयरन की कमी से हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती है, खून की कमी हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो उस केस में भी हम बीट रूट को अपनी डाइट में ले सकते हैं और हमारे बॉडी का जो ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए बीट रूट को अपनी डाइट में ले सकते हैं। और ये तो मैंने खुद ट्राई किया है कि जब आपका ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो सिर्फ अगर आप 1 वीक, एक हफ्ता भी अगर आपने कंटिन्यूस अपनी डाइट में सुबह शाम एक एक बीट रूट को लिया है, तो विद इन 1 वीक बिना कोई मेडिसिन के आपका जो ब्लड लेवल होता है, जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, वो नॉर्मल आ जाता है। ये मैंने खुद पे भी ट्राई किया हुआ है। सो इसको आप लोग डेफिनेटली ट्राई करें, ट्राई मतलब आप अपनी डाइट में बीट रूट को शामिल करें। बीट रूट कंटेन कैल्शियम, बीटाइन, वाइटामिन बी, आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट। बीट रूट में कैल्शियम होता है, बीटाइन एक कंपाउंड है बीट रूट का वो होता है, एंटीऑक्सीडेंट में वो रिच होता है, तो जिसकी वजह से बीट रूट हमारे लीवर को भी हेल्दी करने में बहुत हेल्पफुल होता है। लीवर डिजीज़ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी को जॉइंटिस हो जाता है, तो उस केस में भी हम बीट रूट को का कंजप्शन के लिए बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैंने खुद ट्राई किया हुआ है कि अगर आपको कभी जॉइंटिस हो तो उस केस में भी आप बीट रूट या कैरेट का जूस मिक्स करके ले, तो उससे भी हमारे लीवर में जो भी डिटॉक्स, जो भी हमारे लीवर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं, तो उसको डिटॉक्स करने के लिए, हमारे लीवर को भी डिटॉक्स करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है बीट रूट। सो बीट रूट आपकी स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। अगर आप उसका कंजम्पशन कर रहे हैं डेली, तो आपके स्किन को भी ग्लो अप करने के लिए बीट रूट बहुत हेल्पफुल होता है। अपने बहुत से ब्यूटी रेजीम में देखा होगा कि बीट का हम पेस्ट लगाते हैं और बीट रूट को हम लिप्स में एज अ लिप बाम के लिए भी, एज अ लिप टिंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो अगर आप उसको टॉपिकली लगा रहे हैं तो वो भी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट अगर आप उसका इनटेक कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपको अंदर से निखार के लाएगा। सो अगर आपको अपनी स्किन में भी ग्लो चाहिए तो भी हम बीट रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीट रूट को अपनी डाइट पे यूज़ कर सकते हैं। आप बीट रूट को खाइए, छोटा सा एक पीस को अपने फेस पे, अपने लिप पे भी लगा लीजिए, टॉपिकली भी आपकी स्किन ग्लो करेगी और इंटरनली भी आपकी स्किन ग्लो करेगी बीट रूट के कंजम्पशन से।
बीटरूट कंटेन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड, यानी कि बीटरूट में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बीटालिन भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जो भी इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग पाथवे है उसको रोकता है, जिसकी वजह से जो भी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, कुछ एलर्जिक डिजीज हो जाती है किसी को, तो उसको भी ये कम करने में बीटरूट हेल्प करता है। और कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जो बीटरूट है वो हमारे ओवरऑल स्टेमिना को भी बूस्टअप करता है। सो इसीलिए जो भी स्पोर्ट पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको बीटरूट प्रोवाइड किया जाता है, उनको बीटरूट डाइट में लेने को बोला जाता है, कि बीटरूट हमारे जो ओवरऑल बॉडी का स्टेमिना है उसको भी बूस्टअप करने में हेल्पफुल होता है। और बीटरूट हमारी आइज़ को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, हमारी आइज़ को भी प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज इट कंटेन बीटा कैरेटीन, और वो हमारी आइज़ को बीटा कैरेटीन अगेंस्ट जो कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करने में हेल्पफुल होता है। सो बीटरूट के कितने सारे फ़ायदे हैं, बीटरूट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को हटा रहा है, बीटरूट हमारे स्किन में ग्लो लेके आ रहा है, बीटरूट का हम जो हमारे लीवर है उसको बीटरूट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, बीटरूट हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, ठीक है, बीटरूट हमारी आई को प्रोटेक्ट कर रहा है, बीटरूट हमारे सेक्स हार्मोन जो होते हैं उनको भी बूस्टअप करने में हेल्पफुल होता है। तो बीटरूट हमारे सेक्स हार्मोन को भी बूस्टअप करता है, बीटरूट हमारे जो ओवरऑल स्टेमिना है उसको भी इम्प्रूव करता है, बीटरूट हमारा जो ब्लड है हीमोग्लोबिन में जो आयरन की कमी होती है तो उसको भी बढ़ाने में हेल्पफुल करता है। तो कितने सारे फ़ायदे हैं बीटरूट के, इतना इम्पॉर्टेंट है बीटरूट फ्रूट हमारे बॉडी के लिए, हमारी अगर हम उसको अपनी डाइट में लें तो कंप्लीट, कोई हमें आलतू फालतू चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं, कोई हमें मल्टी विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतने वाइटामिन हैं, ऑलरेडी इतने न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी उसमें इतने मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, सो क्यों हम बाहर से जो मल्टी वाइटामिन होती हैं वो लेते हैं। जो नेचुरल फ्रूट है, जो नेचुरल वेजिटेबल्स हैं, उनको अगर हम अपनी डाइट में लें तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को बीटरूट के फ़ायदे पता चले होंगे। एंड यस, एक पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गई अबाउट द बीटरूट, अगर आप बीटरूट का कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं, अगर आप बीटरूट को अपनी डाइट में लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपके स्टूल और आपके यूरिन का कलर रेड हो सकता है, ठीक है। तो इससे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक हेल्थफुल रिज़ल्ट है कि जो बाइल, जो हमारा बीटरूट का पिगमेंट है उसके ब्रेकडाउन की वजह से वो बीटरूट का जो पिगमेंट का कलर है वो कलर हमारे स्टूल और यूरिन से पास आउट हो रहा है। तो ये आपको एक फॉल्स अलार्म दे सकता है कि आपके स्टूल में और आपकी यूरिन में ब्लड, आपकी यूरिन से और स्टूल से ब्लड का पास आउट हो रहा है, बट ये ऐसा नहीं होगा। अगर आपने बीटरूट का कंजम्पशन स्टार्ट किया है तभी से मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपने आज से बीटरूट का कंजम्पशन स्टार्ट किया है उसके बाद नेक्स्ट डे से आपके यूरिन और आपके स्टूल का कलर रेड हो सकता है, इट इज़ ओनली ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन द बीटरूट। सो इससे डरने की, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट तभी के लिए ये पॉइंट मैं बोल रही हूँ जब से आपने बीटरूट का कंजम्पशन स्टार्ट किया है, अगर आपने बीटरूट का कंजम्पशन नहीं किया है तब आपके स्टूल का और यूरिन का कलर रेड है तो दैट मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ठीक है। बट अगर उसके अलावा अगर आपने बीटरूट का कंजम्पशन स्टार्ट किया तो इट इज़ नॉर्मल। और एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट अबाउट बीटरूट इज़ दैट बीटरूट इज़ रिच इन ऑक्सलेट, बीटरूट आपका ऑक्सलेट में रिच होता है, उसमें ऑक्सलेट बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जो पर्सन कोई भी अगर उनको किडनी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको मैं प्रिफर करूँगी कि आप बीटरूट का कंजम्पशन ना करें, तो क्योंकि ऑक्सलेट जो होता है वो स्टोन बनाने में हेल्प करता है, वो स्टोन फॉर्मेशन करता है। तो जिनको किडनी स्टोन की पहले से प्रॉब्लम है, पहले से दिक्कत है, तो वो बीटरूट का कंजम्पशन ना करें, इट विल इंक्रीज़ योर किडनी स्टोन फॉर्मेशन और बूस्ट अप योर किडनी स्टोन फॉर्मेशन। तो इससे आप लोगों को ये भी बोल सकते हैं कि हम नॉर्मल पर्सन में भी तो ऑक्सलेट
से किडनी स्टोन बन सकते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा बीट रूट का कंजम्पशन स्टार्ट कर दें तो ये होगी, कोई भी चीज़ सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में ही हमारी बॉडी को सूट करती है, ठीक है। कंटिन्यूस पूरे दिन भर अगर हम बीट रूट खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है ड्यू टू दी ऑक्सलेट। बट अगर उसको हम लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं, सुबह शाम सिर्फ एक एक बीट रूट अगर हम ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। सो ऑक्सलेट की प्रेजेंस की वजह से किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई भी अगर पर्सन है तो वो बीट रूट को ना ले, कम अमाउंट में ले, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बीट रूट को नॉर्मल पर्सन भी ना ले, ठीक है। ये तो थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फैमिली के साथ भी ये वाली वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हैं, उनको बीट रूट की इम्पॉर्टेंस बताने के लिए, ठीक है। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, सीखते रहिए और मुझे भी सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।